बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमें माशरे में इस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से हमारे जिस्म में एक आँख का रोल है या जिस तरह से एक आँख रहती है। तकलीफ़ हमारे पैर में होती है लेकिन दर्द की शिद्दत को महसूस करते आँख रो देती है। जिस्म हमारा गलती करता है लेकिन नदामत से या शर्म से हमारी आंख झुक जाती है। इसी तरह से भी कभी हमारे जिस्म को ज़रूरत हो तो दुआ की सूरत में हमेशा आंख रो देती है अल्लाह पाक के हजूर। और ये एक प्रोसेस जो है ये चलता है, ये एक सेटिंग या सिस्टम, इसी सिस्टम के तहत हमें अपनी ज़िंदगी माशरे में गुजारनी चाहिए। माशरे में एहसास को डिवेल्प करना चाहिए, एहसास और रवादारी का जो है एक बोलबाला करना चाहिए। एहसास जब तक नहीं होता माशरे तरतीब नहीं पाते, वैलिड नहीं बनते। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने अपनी समाजत का आगाज़ आज से 20-22 साल पहले किया। सोशल वर्क इस तरह से किया कि अपनी ही यूनियन काउंसिल के अंदर इस तरह से नुमाइंदगी की कि अपनी ही टीम की मदद से, अपने अहले इलाका की मदद से, अपने ही रिश्तेदारों की मदद से अपने इलाके को मॉडल बनाने में एक अहम रोल अदा किया। मस्जिद की तमीर की बात हो या किसी की शादी का कोई मामलात हो या किसी को यूटिलिटी का कोई सामान दस्तयाब करवाना हो या कोई भी ऐसी एक्स वाई जेड जो है वो चीज़ हो, तो उसमें एक मेजर रोल अदा करने वाली शख्सियत जिन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया जिसमें लोगों की हेल्प की जाती है, सोशल वर्क किया जाता है। नो डाउट इसका क्रेडिट अहले इलाका के सर है क्योंकि इसमें न सिर्फ वो शख्सियत अकेली हैं बल्कि उनके साथ अहले इलाका का भी साथ, हिम्मत अनगोश हमेशा साथ साथ हैं। अभी हम उनका तरफ आपको देते हैं। इस वक्त वो न्यू मुंतहिब मेंबर ज़िला कौंसिल बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से, यूनियन कौंसिल सहरोटा नंबर 2 से। और मेरी मुराद रुस्तम अली चौधरी साहब हैं जो अपना तारफ खुद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनका विज़िट किया, वहाँ सफ़र किया, वहाँ बिज़नेस भी किया, लेकिन आकर अपने इलाके में मुकीम हुए और यहाँ आकर उन्होंने समरोट में अपनी सियासी और समाजी सरगर्मियों का आगाज़ किया और बड़े अच्छे से, बड़ी तरतीब के साथ जो है हर चीज़ को वैल्यूएट किया और काम किया। और नो डाउट इसमें क्रेडिट जो है अहले इलाका को भी जाता है। और इसकी पहचान करवाने वाले या इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले या जिस बानी जिसको कहा जाता है, बानी का रोल रुस्तम अली चौधरी साहब ने किया। तो आइए नाज़रीन उनसे पूछते हैं कि समाजी कामों का बेड़ा किस तरह से उन्होंने उठाया, ये जज्बा किस तरह से उनके अंदर डिवेल्प हुआ। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से मेम्बर ज़िला कौंसिल बने हैं कोटली के अंदर, स्पेशली L10 के अंदर PTA का ग्राफ क्या है, आइए नाज़रीन ये राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह पाक ने बड़ी रिज़्क दौलत इज़्ज़त से नवाजा है, लेकिन जज्बा इंसानियत बहुत कम लोगों के अंदर डेवलप हुई। किस तरह से एक आम आदमी से अवामी लीडर का सफ़र आपने कैसे तय किया, क्योंकि आवाम जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। चूँकि मैं असल में पहले सऊदी अरब में चला गया, सऊदी अरब से मैं इंग्लैंड में चला गया, 2-3 साल वहाँ रहा, वहाँ से मेरे अम्मी अबू इंग्लैंड गए और वापस मुझे पाकिस्तान ले आए। ये तकरीबन 2020 का वाक़ है। तो 2020 से मुझे अपने गाँव में, अपनी यूनियन काउंसिल में ऐसा माहौल मिला, ऐसी सोसाइटी मिली, ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे मेरे साथ मिलकर एक फलाई कामों में हिस्सा लेना शुरू किया, जिसमें अल्लाह ने हमारी हेल्प की, मदद की, अल्लाह हमारे साथ रहे। तो हम बेशुमार अपने इलाके के काम किए, छोटे मोटे समाजी तौर पर, सियासी तौर पर तो मैंने नहीं किए, अलबत्त उसका सिला अल्लाह ताला ने मुझे सियासी तौर पर दिया। और जब मैं अभी इस इलेक्शन में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन में शामिल हुआ तो मेरी यूनियन काउंसिल, ख़ासकर मेरे गाँव वालों ने मेरा भरपूर साथ दिया और मुझे कामयाब बनवाया। सर, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सहरोटा नंबर 2 से 1200 की लीड है आपकी, और इस लीड का जो रिकॉर्ड है ना, आज से पहले कोई तोड़ सका, ना आपके बाद शायद कोई तोड़ेगा, क्या राय देंगे इस पर आप? ये जो 1200 है ना, ये मैडम असल में हमारे गांव का वोट है, जो गांव से मुझे मिला ना वो 1200 है। तो बाकी से जो मुझे मिले ना वोट बाकी यूनियन काउंसिल से, वो शामिल करके तकरीबन को 500 और कुछ वोटों की मेरी लीड बनती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 1200 वोट मेरे गांव वालों ने मुझे दिया, वो मेरी लीड को नहीं तोड़ सका। ये जज्बा इंसानियत किस तरह से आपके अंदर डेवलप हुआ और किस तरह से आपने अपनी टीम तैयार की और भांजों को या किसी को भी मोटिवेट किया आपने कि आप पैसे दें ताकि हम अपने
इलाके की हालत बदलें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल अमल भी है। आपने किस तरह से इसकी काउंसलिंग की, किस तरह लोगों को मोटिवेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से तो मेरे बड़े भाई हैं गुलाम मुस्तफ़ा, छोटे भाई हैं इब्रार, इंग्लैंड में होते हैं, मेरे भतीजे भांजे इंग्लैंड में होते हैं, तो मेरा तो यहाँ पर ना कोई कारोबार है ना कोई और सिस्टम है, ठीक है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो जो भी वो मेरे लिए खर्चा घर का भेजते थे वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, तो वो मैंने फ्लाई कामों में आस्ता आस्ता देना शुरू किया। फिर मेरे साथ मेरे गांव की टीम शामिल हो गई, तो उसको आस्ता आस्ता ज़्यादा करते हुए फिर मेरे भाइयों भतीजों को बाकी गांव वालों सबको ये शऊर हुआ कि गांव में अच्छे काम कर रहे हैं, तो सब सपोर्ट करने लगे। तो आस्ता आस्ता हम छोटे मोटे जो जितने में गाँव के मसाइल होते थे उनको हल करते, जो भी गरीब मस्कीन किसी के शादी है, कोई बीमार है, कुछ किसी का मकान का मसला है, पानी का मसला है, रास्ते का मसला है, उस पर हम जो है ना वो बराबर, ना तो हमारे पे वो पार्टी का कोई मसला था ना हमारा बरादरी का था, हम बिला तफरीक वो काम करते थे जिसमें अल्लाह ताला की खुसूसी अनायत थी हम पर, तो हम उसमें कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारी टीम मेरे साथ है, बल्कि वो ज़्यादा हो रही है मेरे साथ टीम, तो उस पर काम करते करते आज यहाँ तक हम पहुँचे। सर, आपने मेंबर जिला काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मंशूर आपने क्या दिया? जिस तरह से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप प्लेटफार्म से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, क्या मंशूर आपने अहले इलाका को दिया, खास तौर पर यूनियन काउंसिल सरोटा नंबर 2 को आपने किस तरह संवारने का बेड़ा उठाया है? असल में जो ये बल्दियाती इलेक्शन है ये बहुत अरसे के बाद हुए हैं जी, ठीक है, तो ये मेरा भी तो पहला इलेक्शन ही था जी। तो कोशिश हमने लोगों को ये वादा किया कि अगर गवर्नमेंट जो नया सेटअप बना रही है कि ऊपर से नीचे तक अख्तियारात आएंगे, नीचे तक लोगों को काम मिलेगा, तो उसमें हमने भी लोगों से वादा किया है कि जब हमारी बॉडी मुकम्मल हो जाएगी, हमारा ज़िला का काउंसिल अभी चेयरमैन रहता है, ज़िले के चेयरमैन बनेंगे और हमारा यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, उसमें जो हमारे फंड्स होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करें, हमने लोगों से वादा किया है कि उसमें हम कोशिश करेंगे जो भी फंड्स मिलेंगे उसमें अगर कोई एक दो रुपये मुझे जेब से भी डालने पड़े तो हम जेब से डालकर लोगों के काम मुकम्मल करेंगे, उसमें से खाएंगे नहीं। और लोगों को यकीन भी है मुझ पर, मेरी टीम पर, कि अगर इनको कोई स्कीम या कोई मामलात हुए तो इंशाल्लाह वो ज़ाया नहीं होंगे, किसी अच्छी जगह पर लगेंगे, तो इस हवाले से लोग मुझ पर मुतमईन हैं। सही, LA 10 में सर PTA चौधरी यासीन साहब ने फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया और फर्स्ट LA 10 में उन्होंने विन भी कर लिया, भले वो 90 या 170 वोट से जीते हैं। क्या लगता है आपको किस तरह से बेहतरीन की तरफ जाने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा? असल में जो LA 10 है ना, इसको कोटली सिटी 3 हमारा जो हल्का है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन हुए ना उसमें सिर्फ एक मेरी ही सीट बनी है, बाकी जितने भी PTI के मेरे साथी थे वो हार गए हैं, तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PTI चढ़ोई में, कोयरेटा में, निक्याल में, राजमाल में उन्होंने काफ़ी सीटें बनाई हैं, लेकिन बदकिस्मती है हमारा जो ये हल्का है ना कोटली LA 3, इसमें मेरी सिर्फ एक ही सीट बनी है, तो तकरीबन कोशिश करेंगे कि हम अपने हल्के के अपनी जमात के लिए बेहतर काम करें, और नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह अगर आज हमारी मेरी एक सीट बनी है तो नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी सारी सीटें बनेगी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की तकर्री की बात हो तो सीटें आपके पास ज़्यादा हैं, अगर KDM बनती भी है तो KDM के एक साथ आने से आपको कोई लगता है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैनी का सिरा है वो कोई दूसरी पार्टी ले जाए? असल में इसका तो मुझे सही इलम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर के मामलात होते हैं, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको पता होगा, या PDM वाले हमारे जो यासीन साहब हमारे मोहतरम हैं वो भी हैं, उनके साथ नून लीग है, उनके भी मामलात हैं, PTI वाले भी हैं, लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट इलम नहीं है कि कौन सीट बनाएगा, कौन कितने फिगर पर है, इसका अभी मुझे इलम नहीं है। सर, अगर आप जिस तरह से उम्मीदवार चेयरमैन बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से डिस्ट्रिक्ट के, किस तरह से आप प्रेजेंटेशन देंगे, क्या आपको लगता है कि आप चेयरमैन की हैसियत से अपनी सर्विसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से सर अंजाम देंगे? वैसे तो PTI जो हमारी जमात है उसको सारा पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोटली से कौन कौन PTI के लिए क्या क्या काम कर रहा है या क्या क्या काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पिछला जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद हमारा गाँव है जिससे PTI को विन किया था, हमारे चार पोलिंग स्टेशन से हमारे कैंडिडेट थे मर्द यूसुफ साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 954 वोट उनको यहाँ से दिलवाए थे, ये हमारा एक रिकॉर्ड था, तो उसके सिले में भी हमें तो खातर ख्वाह, चलो पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया उस पर मैं बन गया, अलबत्ता
पार्टी के अपने मामलात हैं, अगर वो मुझे बनाना चाहें किसी और को बनाना चाहें इसमें उनका अपना फैसला है, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल जो भी हो वो ऐसा हो कि वो उसमें इंसानी जज्बा हो, खिदमत खल का जज्बा हो, वो आवाम के लिए काम करना जानता हो, चाहे वो PDM से हो या PTI से हो, इसका तो मैं नहीं कह सकता। और जो भी बने अल्लाह करे वो बेहतर हो। सर, आपके इलाके, आपकी यूनियन काउंसिल में कौन कौन से आपको मसाइल नज़र आते हैं जिस पर अभी आप समझते हैं कि अपनी मदद आपसे या गवर्नमेंट के जो तावन के साथ आप उस पर काम करेंगे? गवर्नमेंट के तावन की तो दूर की बात है, अपनी मदद आपके तहत आपका क्या क्या प्लान है? असल में जो हमारे यूनियन काउंसिल के मसाइल हैं वो बहुत अरसे से हमारे इस यूनियन काउंसिल में किसी ने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, जो भी आता है छोटा मोटा काम हो जाता है, कोई आधा किलोमीटर रोड किसी को मिल जाए या किसी का कोई छोटा मोटा पानी का मसला हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हमारे बेशुमार मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, खुद तो हम छोटे मोटे काम कर लेंगे, दोस्तों की मदद से, अपने अहले इलाका की मदद से, यूनियन काउंसिल की मदद से, वो चाहे चंदा इकट्ठा करें या जैसे भी करें, या जो हमारे यूनियन काउंसिल के लोग बाहर गए हुए हैं सऊदी अरब, दुबई, इंग्लैंड, उनसे कुछ हेल्प की डिमांड करेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे, तो छोटे मोटे तो काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मैडम काम हैं जिनको जब तक गवर्नमेंट उसमें शामिल ना हो वो काम नहीं हो सकते, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हमारे वज़ीर हैं, मैं उनसे कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा जो यूनियन काउंसिल है, ये PTI का सबसे अगर ज़्यादा वोट है तो इस यूनियन काउंसिल में, तो आप बराए मेहरबानी करके हमें इन लोगों के काम दें, ताकि ये जिस स्टेज पर खड़े हैं इसमें इजाफा ही हो, कहीं कमी ना हो। तो उस पर कोशिश करूँगा कि मेरे जो वज़ीर हैं, मेरे साथ सबका तल्लक है, मलिक ज़फ़र साहब हैं, चौधरी अखलाक साहब हैं, डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वो हमारे काम करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं, उनसे भी कहूँगा, हमारे वज़ीर आज़म तरमीम इलियास साहब हैं, तो सब इंशाल्लाह हमारे काम करेंगे, क्योंकि अभी नया सेटअप है, कुछ टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपनी मदद आपके तहत आप चंद रोड जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी गरीब का घर भी शामिल है, जिसके आई थिंक लेंडर का प्रोसेस जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, तो उसमें अहले इलाका का, आपके रिलेटिव्स का कितना उसमें कोऑपरेट शामिल है और कितना एक्सपेंस अभी तक आ चुका है? उसमें जो हमारे गांव में तकरीबन 5-6 मकान हम बनवा चुके हैं, तकरीबन जिसकी मालियत 15-18 लाख तक भी है, लेकिन वो सिर्फ मेरा उसमें, अगर कहें कि मैंने उसमें सब कुछ किया तो नहीं, मैं भी अपनी जो मुझे इस्तात होती है उसके मुताबिक देता हूँ, बाकी जो अहले इलाका हैं, मेरा गाँव है, जो इनके हमारे भाई बाहर गए हुए हैं वो हेल्प करते हैं, गांव में जो साहिब हैसियत लोग हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, तो उस काम को हम फिर पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से PTI के डिफरेंट उम्मीदवार जो हैं वो सामने आ रहे हैं जनरल इलेक्शन में, गो कि ये अभी दूर की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुस्तकिल होकर एक प्लेटफॉर्म पर सब आकर इलेक्शन कंटेस्ट करें किसी एक बंदे को तो वो बेहतर है, या सब अपनी अपनी जगह पर डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है? असल में चाहिए तो ये कि कोई एक बंदा जो सबसे बेहतर हो, वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है कौन बेहतर है, बहरहाल बहसीत इंसान हमें भी तो इतना तजर्बा होता है कि ये बेहतर है ये नहीं बेहतर, तो कोशिश करें कि अगर एक आदमी के पीछे सारे चलें, उसको कामयाब करने की कोशिश करें, तो वो अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं अपने घर से खड़ा हो जाऊँगा दूसरा कहीं और से खड़ा हो जाएगा, ऐसा करने से फ़ायदा नहीं बना, पार्टी को नुकसान होगा। लास्ट में आप अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे और उनको पैगाम क्या देंगे? मैडम असल में किस किस का शुक्रिया करें, सिंगरौर का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से मुझे वोट ना मिले हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था वो भी मेरा करीबी रिश्तेदार है, ठीक है, अब मेरे घर के बिल्कुल करीब रहता है, उसको भी बरादरी ने वोट देने थे, मुझे भी देने थे, नून लीग के भी थे, हमारे 2 आज़ाद उम्मीदवार भी थे, ठीक है, तो ये इलेक्शन होते हैं, इसमें आदमी किसी को नाराज़ नहीं करता, हर किसी को हिस्सा देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी को तो उन्होंने हिस्सा देना था वो उन्होंने दिया, लेकिन सब ने बढ़ चढ़ कर मुझे वोट दिए और मुझे इतने वोट दिए कि आज दिन तक समरोड से कोई इतना वोट नहीं ले सका, तो हर घर से मुझे वोट मिले हैं, हर बरादरी ने मुझे वोट दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूं, तो मैं अपनी पूरी यूनियन काउंसिल का समरोड से लेकर करतोड़ और कोमर तक हर बरादरी का, हर ख़ानदान का, हर पार्टी वालों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिए। बिल्कुल सही सर, 31 ईयर्स के लंग पीरियड के बाद जो है निचली सतह तक हकूक ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उम्मीद वासिका के में भी तमाम हकूक जो हैं वो निचली सतह तक दिए भी जाएं, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स आई, वादे भी हुए, मुआहदे भी हुए, लेकिन कभी इलेक्शन नहीं हुए, 71 साल के बाद इलेक्शन का क्रेडिट किसको दिया जाता है? ये तो सबसे पहले मैं अपने आज़ाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर
सरदार इलियास तनवीर साहब को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत इस पर मेहनत की, क्योंकि पाकिस्तान से हमें यह भी पता चला था कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का मैं बंदोबस्त करूँगा। पहले इन्होंने कहा कि डिवीजन वाइज इलेक्शन कराएंगे, वो भी ना हो सके तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाएंगे। बहरहाल इन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मिशन में कामयाब हुए। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में बहुत कोशिश करके ये इलेक्शन करवाए हैं, और अभी फिर उनकी कोशिश की ज़रूरत है ताकि ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का ये मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो निचली सतह इख्तियार मुंतकिल होने हैं वो कर दें, ताकि आवाम को भी पता चले कि किसी को क्या मिलना है, किसी को क्या देना है। उस सिलसिले में अभी थोड़ा काम बाकी रहता है, जो मेरे ख्याल में इसी महीने में मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल में फिर भी आखिर में बेस्टर सुल्तान साहब का और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस इलेक्शन के लिए बहुत पेन किया, और ज़ाती तौर पर उन्होंने इसमें अपने शायद खर्चे भी किए होंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन मुकम्मल करवा कर दिखाए। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी तो नासरीन, ये थी रुस्तम अली चौधरी साहब की गुफ्तगु जो आप लोगों ने सुनी। इलाके के काम के बारे में पेन लेना, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करना, गो के वैसे तो इंसान हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ और नसबुल आइन है। सबसे पहले अल्लाह पाक के हजूर जो सवाल हमसे होंगे उसमें ये भी एक हकूक़ुल इबाद का भी शामिल होगा, जिसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। और इस तरह का कोई क्रेडिट लेता है अगर माशरती तौर पर, तो वो इंसान इस दुनिया में क्या आखरत में भी अल्लाह पाक ही जानते हैं उसका क्या मकाम होगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। पीटीआई के ग्राफ पर उन्होंने राय बड़ी अच्छी दी है कि सब मिलकर एक यूनिटी के साथ वर्क करें तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, और साथ ही क्रेडिट जो है वो आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को, जिनकी वजह से अटेंडिंग द इम्पॉसिबल जो मिशन था वो पॉसिबल हुआ। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।